5 ने पेट्रोलिंग के दौरान कोराड़ी स्थित रमाई नगर में सत्य विजय नाम की महिला के घर पर दारू का अवैध बिक्री किया जा रहा था। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर दारू के साथ पेटी जब्त की, जिसकी कीमत 37,990 बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने पेट्रोलिंग के दौरान कोराडी स्थित रामाई नगर में गुप्त सूचना के आधार पर सत्य विजया नाम की एक महिला के घर पर दारू का अवैध बिक्री किए जाने की जानकारी मिलते ही उसके घर पर छापामार कार्रवाई कर दारू की 7 पेटी जब्त की है, जिसकी कीमत 37,990 रुपए बताई जा रही है। गौरतलब रहे कि आरोपी महिला के घर जब पुलिस ने दबिश दी, तब बहुत सारे चीजों की छानबीन करने के बावजूद यह अवैध दारू कहाँ छिपा कर रखा हुआ था, इसका आखिरी तक पुलिस को पता नहीं चल पाया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने जब किचन के एक कॉर्नर पर एक गड्ढे को देखा और उस गड्ढे को जब खोदा गया तो उसमें 2 देसी दारू की पेटी दिखाई दी। इसके बाद बाजू के कमरे में जाने पर 5 दारू की पेटी और दिखाई दी, जो कि विदेशी कंपनियों की थी। बताया जा रहा है कि ये महिला कई सालों से ये व्यवसाय कर रही थी। आज ड्राई डे होने के बावजूद वह अवैध रूप से दारू की बिक्री करते हुए पकड़ी गई। आज गणपती विसर्जन असल्यामुळे सकाळी 8 वाजेपासून आम्हाला पेट्रोलिंग बंदोबस्त आहे पूर्ण हद्दीत युनिट 5 च्या। तर पेट्रोलिंगला असताना पूर्ण स्टाफ माझ्यासोबत होता, तर मला बातमी भेटली की रमाईनगर जे माधुला कोराडी पोलीस स्टेशन हद्दीत, तिथं एक महिला सत्य विजया नावाची ही तिच्या घरात आणि आजूबाजूच्या घरांमध्ये दारूचा अवैध साठा करून ठेवलेला आहे व ते अवैध दारू विक्री करत आहे। आज ड्राय डे असल्यामुळे ती बातमी भेटली तर आम्ही खात्री करण्यासाठी 2 पंटर पाठवले। खात्री केली असता तिथे तिची विक्री चालू होती। मग आम्ही पोलीस ठाण्यावरून 2 महिला बोलवल्या, तसेच पंच बोलवले आणि छापा टाकला तर घरात खूप शोधाशोध केल्यावरही दारू भेटत नव्हती। मग खूप बारकाईने निरीक्षण केलं तर किचनच्या ओट्याखाली एका फरशीला मला तसं चौकोनी छोटं ओलं आढळलं आणि मग ती फरशी बाजूला केली संशय आल्याने, तर त्या किचनच्या ओट्याखाली 2 फरशा बाजूला केला असता तिथं खड्डा खोदून ठेवलेला आहे व तिथं 2 पेट्या माल भेटला आपल्याला। मग परत आजूबाजूला पण माल आहे अशी खात्री होती आमची, कारण आमच्या गुप्त बातमीदाराने परफेक्ट सांगितलं होतं की माल आहे। मग त्यांनी त्यांच्या बाजूचं एक बंद घर घेतलेलं होतं। मग त्या घरातल्या चावी देत नव्हते म्हणून आपण खिडकी थोडं ताकद लावून उघडली आणि खिडकीतून आत गेलो घरात, तर आपल्याला 5 पेटी माल इंग्रजी तसेच बियर आणि देशी दारू असे टोटल 7 बॉक्स माल भेटलेला आहे आपल्याला। हां, ही पोलीस रेकॉर्डवरची आहे आणि हिचा खूप जुना व्यवसाय अवैध दारू विक्रीचा, तर आपण तिचे मोबाईल पण हे केलेले आहेत, जप्त केलेले आहेत। 23,190 रुपयाचा तसेच मोबाईल वगैरे यांची किंमत धरून 37,990 रुपये। मिली जानकारी के अनुसार ये महिला देसी और विदेशी दोनों दारुओं के अवैध बिक्री का कारोबार कई सालों से कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस ने ये कार्रवाई की है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।